بإصراراتهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم. तो उनकी कैसी बदअहदियों के सबब हमने उन पर लानत की और इसलिए कि वह आयात इलाही के मुनकिर हुए और अंबिया को नाहक शहीद करते और उनके इस कहने पर कि हमारे दिलों पर खिलाफ है बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के सबब उनके दिलों पर मोहर लगा दी है तो वह ईमान नहीं लाते मगर थोड़े, और इसलिए कि उन्होंने कुफर किया और मरियम पर बड़ा बोहतान उठाया और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, और है ये कि उन्होंने न उसे कत्ल किया और न उसे सूली दी बल्कि उनके लिए उसकी शबीह का एक बना दिया गया, और वो जो उसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं ज़रूर उसकी तरफ से शुबह में पड़े हुए हैं, उन्हें उसकी कुछ खबर भी नहीं मगर यही गुमान की पैरवी, और बेशक उन्होंने उसको कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये मुसलसल मैंने चार आयतें आपके सामने तिलावत की हैं सूरह निसा की। वाकया जो चल रहा है वह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को लेकर, बात यहां पर इससे कबल जो तफसीर में गुजरी है वो अहले किताब के मुतालिक है, अहले किताब में भी ख़ास यहूदियों के मुतालिक, कि ये यहूदी एक ऐसी कौम है जिसका कसरत से इसमें कुरान पाक में जिक्र भी आया है नाफरमानियों को लेकर इनके बेजा सवालात हुआ करते अपने अपने नबियों की बारगाह में। जैसे इससे पहले वाली आयत ये थी कि महबूब अहले किताब तुमसे सवाल करते हैं कि उन पर आसमान से एक किताब उतार दो, एक ऐसी किताब उतार दो जो एक ही साथ पूरी उतरना चाहिए, बल्कि अल्लाह फरमाता है ये सवालात ऐसे ऐसे करते, इससे पहले तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल किया था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमको अल्लाह दिखा क्यों नहीं देते खुले तौर पर, अलानिया वो अल्लाह को देखने की बात करते। फिर अल्लाह का अजाब आया, तोबा किया इन लोगों ने, यहूदियों की नाफरमानियां बहुत बड़ी हुई थी वो आज भी देखने को मिल रही है, ये कौम अल्लाह के गजब का शिकार हुई। अब यहां पर जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें रब तबारक व तआला फरमाता है हमने इनके दिलों पर मुहर लगा दी, किस वजह से? इसलिए कि ये अक्सर अहद को तोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर लानत फरमाई, किस वजह से? फबिमा नक़्दुहुम मीसाक़हुम व कुफ़्रुहुम बि आयातिल्लाह। दो वजहें बताई अल्लाह ने, पहली तो ये है कि ये जब भी वादा करते अपने नबियों से उस वादे को तोड़ते थे, वादा तोड़ना वादा खिलाफी करना ये यहूदियों की खास आदत थी, और अल्लाह की आयतों को झुटला देना, वो कत्ल हुमुल अंबिया बगैर हक, और नाहक अंबिया का भी ये कत्ल करते थे, तकरीबन 10,000 नबियों को इन्होंने शहीद किया है यहूदियों ने। तो इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर लानत फरमाई कुरान पाक में, और फिर यूं फरमाया गदीबल्लाहु अलैहिम, अल्लाह का उन पर गजब हुआ। सूरह फातिहा में भी हम पढ़ते गैरिल मग़्ज़ूबी, मग़्ज़ूब का मतलब क्या है? जिस पर गजब हुआ। ये कौन लोग हैं? वो यहूदी जमात है। सबब तो कुछ है। आज इस मौजू पर बात करने से लोग कतराते भी हैं, डरते भी हैं, और फिर दूसरे बात ये भी है कि दुनिया में इस मुट्ठी भर जमात ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है कि इनके मुतालिक बोलने वाले को आतंकवादी और टेररिस्ट भी कह दिया जाएगा, कि ये एक छोटी सी कौम है, मुट्ठी भर जमात है यहूदी, और इनके मुतालिक अगर किसी ने कहीं पर भी कुछ भी बात की
तो ये नाइंसाफी की बात करते हुए चीखते चिल्लाते हैं। अगर किसी ने हिटलर का जिक्र कर दिया, होलोकॉस्ट का जिक्र कर दिया या इनके कत्लेआम की बात कर दी, तो फिर ये उस पर कानूनी चाराजोई भी करते हैं या फिर उसको दरपर्दा कत्ल भी करवाते हैं। ये शरीर कौम ऐसी है मेरे अजीज़ों, पिछले 4000 साल से तकरीबन या पिछले 3000 साल से इनकी बदअहदियाँ दुनिया में मौजूद हैं। इन्होंने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो इन्होंने बीच में से आरी से चीर दिया था, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की गर्दन को अलग किया, ये यहूदी थे। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने में इन पर कई अजाबात आए, उसका भी जिक्र है कुरान पाक में, बदअहदियों की वजह से। लेकिन यहाँ जब भी यहूदी का लफ्ज़ मैं ज़िक्र करूँ तो इस बात को आप जहन में रखें कि यहूद जो है कुछ ईमान वाले भी थे, जो अल्लाह पर ईमान रखते और रसूल और अपने अपने रसूलों की पैरवी जैसे उनका हुक्म होता वैसे किया करते। तो मेरी मुराद उन मोमिन लोगों के लिए नहीं बनी इसराइल के, बल्कि यहूदी जब हम यहाँ कह रहे हैं तो वो कौम मुराद है जो सरकशी और नाफरमानी करती रही हर ज़माने में। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यहाँ तक फरमाया कि हमने उनको इतनी नियामतें दी कि जितनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं दी थी। आपको पता है कि इनके लिए जन्नत से खाना उतरता था, कोई और कौम है, जन्नत से इनके लिए खाना उतरता था, मन व सलवा इसका नाम सुना होगा आपने, रोज़ाना इनके लिए। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, अपने नबी के पास आकर के कहा रोज़ यही खाना उतरता है, कभी अपने खुदा से कहिए गाजर मूली प्याज ककड़ी भाजी ये भी तो आए, मन व सलवा जन्नती गिजा थी। हाँ तो उदअ लना रब्बका मिम्मा तुम्बितुल अर्द मिन बकलिहा व क़िथ्फ़ाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, प्याज चाहिए इनको, लहसुन चाहिए, भाजी चाहिए, साग चाहिए। तो रब तबारक व तआला ने इन पर लानत फरमाई, आला चीज जो इन्हें दी जा रही थी उसको बदल करके अदना की तरफ इन लोगों ने तवज्जो की। इतना ही नहीं, जो मोमिनीन थे यहूदियों में से, उनके लिए जब ये अपने नबियों के साथ चलते थे तो आसमान का एक टुकड़ा साया बनकर चलता था कि इनको बराहे रास्त धूप ना लगे। और इतना ही नहीं, इनके नाखून बढ़ जाते तो रात में नियत करके सोते तो सुबह खुद ही कटे हुए होते। इतनी सहूलियात और किसको मिली, इतनी नियामतें मिली थी। हाँ, इनके लिए बाज़ रिवायात ये हैं कि इनके कपड़े भी धुल जाया करते खुद ब खुद, सारी चीज़ें इनको बैठे बिठाए मिल रही थी। लेकिन हुक्म क्या था, आप देखिए, आप जब ये बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने का हुक्म आया, जो शहर मुकद्दस है, अर्द मुकद्दस है, यरूशलम जिसको आज कहते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करते हुए दाखिल होना, ये अल्लाह का मुकद्दस घर है। लेकिन इन जालिमों ने अपनी सुरीन रगड़ते हुए दाखिला किया, अपने पीछे के मुकाम को ज़मीन पर रगड़ते हुए वहाँ शहर में अंदर दाखिल हो रहे, मजाक। अल्लाह ने सजदा करते हुए दाखिल होने का हुक्म दिया, लेकिन ये जिस अंदाज से जा रहे थे। और रब तबारक व तआला ने यह फरमाया था कि तुम ये कहना कि मग़फ़िरत हो बख्शिश हो, मग़फ़िरत हो बख्शिश हो, जैसे हरम में जाएंगे तो यही तो दुआ करते जाएंगे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो। लेकिन जब ये अर्ज़ मुकद्दस में दाखिल हो रहे थे यहूदी, तो क्या कह रहे थे, बाली में दाना बाली में दाना, यानी सिर्फ और सिर्फ पैसा और माल, क्योंकि वहाँ खुशहाली ज़्यादा थी, सहरा भी ज़्यादा थी। तो वो ये बातें करते हुए शहर में दाखिल हो रहे थे कि बाली में दाना, अब तो पैसे ही पैसे हैं, माल ही माल है। तो रब तबारक व तआला ने उन पर लानत फरमाई, ये ऐसी कौम है। अब अंबिया को जो इन्होंने कत्ल किया, उनमें से इनकी आदत थी, जो इनकी तबीयत के खिलाफ बात होगी उस नबी के साथ ये मजाक भी करते थे और कत्ल भी करते थे। अब देखें, यहाँ जो आयतें आई हैं उसमें अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, इन पर जो खास लानत है यहूदियों पर, उसकी एक वजह यह भी है
कि ये अल्लाह का तो इनकार, ये अल्लाह की आयतों का इनकार तो करते हैं, कुफ्र तो करते हैं, लेकिन हजरत मरियम पर ये बड़ा बोहतान तराशते हैं, तोहमत लगाते हैं। हजरत बीबी मरियम पर ये तोहमत लगाते यहूदी, उनसे माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन उनको गलतकारी से तोहमत लगाते हैं कि बगैर बाप के इनके यहां बच्चा कैसे आया, जबकि वो मौजज़ा था, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की एक निशानी थी। वो रब ताला जिसे चाहे, और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह, और कुछ जगहों पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया आयत में ये है कि तुम ईसा की पैदाइश पर ताज्जुब करते हो कि बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, सिर्फ मरियम हजरत बीबी मरियम के पेट में कैसे बच्चा बन गया और पैदा हुआ, तुम इस बात पर तो ताज्जुब करते हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माँ भी नहीं बाप भी नहीं कैसे पैदा किया? उस बात का तो तुम्हें यकीन है कि उनकी आदम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मालूम है, बाप का नाम मालूम है। बगैर माँ और बाप के जो आदम को पैदा कर सकता है तो सिर्फ बगैर बाप के ईसा को क्यों नहीं पैदा कर सकता? वो कादर मुतलक है। लेकिन इन यहूदियों ने बोहतान तराशा। हुआ क्या था, ये वाकया बड़ा तवील है। हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाहि अलैहा रदियल्लाहु अन्हा बड़ी पाकीज़ा खातून हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। मैं आपको अगर बताऊं तो औरतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम कुरान में है, ये हजरत बीबी मरियम का है। हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी परवरिश पूरी बैतुल मुकद्दस में हुई, बैतुल मुकद्दस में ही परवरिश पाए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम की तरबियत में। जब ये जवानी को पहुंची तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए अल्लाह ताला की तरफ से। ये वाकया भी सूरह मरियम में मौजूद है। हजरत मरियम हटने लगी और पूछी कि कौन है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक बेटा देने आया हूँ, मैं तुम्हें एक बेटे की बशारत देने आया हूँ। तो हज़रत बीबी मरियम ने उस वक्त भी कहा था अन्ना लकी हादा, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है? हज़रत जिब्राइल ने जब ये कहा कि अना रसूल रब्बी के लिए अहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब की तरफ से एक फरिश्ता हूँ, तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने आया हूँ। तो हज़रत मरियम ने कहा यह कैसे हो सकता है? तो हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह जो चाहे वो हो सकता है, अल्लाह ताला यूँ चाहता है। और उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन पर फूंक मारी, चले गए। हज़रत बीबी मरियम हामला हो गई, हमल करार पाया, और जब विलादत का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया, इल्का किया, वो नबी तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी गैर नबी को कोई हिदायत के लिए बातें भेजता है तो उसको दिल में इल्का करता है। हज़रत बीबी मरियम के दिल में ये बात अल्लाह ताला की तरफ से आई कि वह शहर और बस्ती से बाहर चली खजूरों के एक बागीचे में, और वहाँ दर्द की शिद्दत से वो आराम के लिए लेटी। फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जब बेटा हुआ। ये जो वाकया है मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, ये ईसाइयों को भी एहसान मानना चाहिए कुरान का, हाँ कुरान पाक का, कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का प्रोसेस पूरा कुरान ने बता दिया। हाँ, जो बरसों से यहूदी उनके ऊपर गाली गलौज कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके मुतालिक कुछ भी बोलूं, इल्ज़ाम लगूं, और आप सफाई देते रहें तो हो सकता है लोग ये कहें अपनी सफाई में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन एक तीसरा आदमी जब तुम्हारी हिमायत में खड़ा हो जाए कि नहीं ये बिल्कुल साफ है, तो फिर इसको तकवीत ज़्यादा मिल जाती है। बहरहाल मेरे अजीज़ हो, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद अब वो बच्चा उठाई और अब सोचने लगी, डरने लगी, कौम के पास कैसे जाऊं, रिश्तेदार भी हैं,
सारे लोग अगर पूछेंगे कि शादी भी नहीं हुई, बच्चा कैसे आया। देखिए रब तबारक व तआला की तरफ से जो पैगामात होते हैं वो सब असबाब पहले से तय होते हैं। हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर किसी को मुंतखब करता है किसी काम के लिए तो उसके लिए रास्ते वो खुद ही बनाता है। हजरत मरियम ने बच्चे को उठाया, रब तआला की तरफ से उन्हें हुक्म यह हुआ कि जब तुम अपनी कौम के पास जाओ तो इशारे से कह देना मैं चुप रहने का आज रोज़ा रखी हुई हूँ, बात नहीं करूँगी, सवालात की बौछार हो जाएगी, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, तू तो ऐसी नहीं थी, फलां थी। तो अल्लाह की तरफ से हुआ हुक्म कि अपने आप को जवाब मत देना कुछ भी, इशारा अपने बेटे की तरफ करना। हजरत बीबी मरियम लेकर के आई, कौम में जैसे आई हुआ वही, जाहिर सी बात है लोग देखते कहाँ हैं, सबसे पहले सवालात की बौछार कर देते हैं। या उख्त हारून मा कान अबू की मुरअसौ इन वमा कानत उम्मु की बगिया, ए हारून की बहन, हारून की बहन जो है पाकीज़ा खातून को कहा जाता था, वैसे आपके कोई भाई नहीं थे हारून, लेकिन उख्त हारून जो है निहायत पाकीज़ा औरत को कहा जाता था जिसके दामन पे कभी धब्बा ना लगाओ। तो लोगों ने कहा या उख्त हारून ये बच्चा कैसे आ गया, ना तुम्हारी माँ बुरी थी ना तुम्हारा बाप खराब था, तुझे तो अच्छी तरबियत दी गई थी, ये बच्चा कैसे आया। तो हजरत मरियम ने क्या किया, फअशारत इलैही, बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा मैं रोजे से हूँ आज, बातचीत ना करने का भी रोजा हुआ करता। ये पहली शरीयतों में था, हमारी शरीयत में नहीं है, हमारी शरीयत में चुप्पी का रोजा नहीं है। तो अब हजरत मरियम ने जब बच्चे की तरफ इशारा किया तो लोगों ने पूछा कालू कैफ नुकल्लिबु मन काना फिल महदी सबिया, हम उससे कैसे बात करें जो अभी गोद का बच्चा है, आज पैदा हुआ गोद में लेकर के आई। लोग जब ये कह रहे थे तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में से ही बोल पड़े, قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا, कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी दिया है और नबी बनाकर भेजा है। ये भी मौजजा है। जाहिर सी बात है ईसा अली सलाम का गोद के पहले दिन बात करना सारे लोगों को कायल कर गया, सब समझ गए कि जाहिर सी बात है अगर बच्चा एक दिन में बोलने वाला हो सकता है तो मरियम जो कह रही है कि बगैर बाप के हुआ यह भी मुमकिन हो सकता। तो फिर हजरत मरियम ने ईसा अली सलाम की परवरिश की। ईसा अली सलाम जब जवान हुए तो अपनी नबुव्वत के ऐलान के बाद अपनी किताब इंजील का आपने लोगों को दर्स दिया, लोग जौक दर जौक आपकी तरफ आने लगे। ईसा अली सलाम की तालीमात अखलाक से भरी हुई, इंसान को इंसान बनाने वाली, लेकिन यहूदी या दज्जाल के पैरोकार कहाँ इंसान बनने वाले। जब भी कभी कोई नबी इनको सीधा करने आते हैं तो जिनकी किस्मत में हिदायत लिखी है वो ईमान ले आते, लेकिन जो नहीं मानना चाहते तो वो कत्ल के प्लान बनाने शुरू हो जाते, मंसूबे सीधे मारने के बनाने शुरू हो जाते। आज उनके चेले यही काम करते हैं, उलमाए हक उलमाए रब्बानीन की सुपारी देते हैं इधर से उधर, वो काम आज भी होता है कि जो हक बोलने वाले हैं उनको पकड़ करके कैद कर दिया जाए या उनको किसी के जरिए से मार दिया जाए, मरवा दिया जाए। मेरे अजीज़ो हज़रत ईसा अली सलाम की उस बात पर मैं अब आ रहा हूँ जो आयत में मैंने तिलावत की। जब आपकी उम्र 30 साल के करीब, 30 से ऊपर हुई तो यहूदियों की दुश्मनी बढ़ गई, वह हज़रत ईसा अली सलाम के तबलीगी सैलाब को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि इनके पैरोकार बढ़ते जा रहे हैं, इनके शागिर्द बढ़ते जा रहे हैं और इनकी तालीमात से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि हुक्म उनके लिए भी था, यहूदियों के लिए, कि अब जो रसूल आए इन्हीं की पैरवी तुम भी करो, लेकिन होता यह है कि जब अपना एक हल्का बन गया ना तो फिर दूसरे की पैरवी करेंगे तो ये हल्का खत्म हो जाएगा,
नजराने ख़त्म हो जाएंगे, जो मिलता है लोगों से ये सब धंधा ख़त्म हो जाएगा, काहे को किसी की पैरवी करें। यही काम तो यहूदियों ने मदीने में हुजूर के साथ ना करके भी किया, जबकि यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे कि आखिरी रसूल हैं, जैसे अपने बेटों को भी नहीं पहचानते, इससे ज़्यादा उनको मालूम था कि आखिरी रसूल यही है, लेकिन ईमान क्यों नहीं लाते थे? इसलिए कि बरसों से जो धंधा चल रहा था लोगों के ऊपर मजहब के नाम पर, हाँ लूटमारी का, लोगों से वसूली का, खराज लेने का, तो जाहिर सी बात है अब अगर हुजूर की गुलामी में आएंगे तो फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को दुकान बंद करने की ख्वाहिश नहीं होती, जिसकी वजह से अकड़ आती रहती है। आज भी ऐसे बहुत सारे हालात हैं, कुछ जाहिल और ऐसे शरीयत से बेजार लोग जब उनको हिदायत की तरफ हम बुलाएं तो उनको पता है कि शरीयत हक है, लेकिन वो आना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि जो दुकान उन्होंने बनाई है वो बंद हो सकती है, जिन जाहिलों को लेकर के वो अपनी दुकान चलाते हैं वो बंद हो सकती है, इधर कैसे आ सकते हैं? मेरे अजीजों, यहूदी हज़रत ईसा अलैहि सलाम के साथ यही करते रहे, ना माने। एक दिन वो भी आया जब यहूदियों ने हुजूर हज़रत ईसा अलैहि सलाम के कत्ल का भी मंसूबा बना लिया, जैसे और नबियों को कत्ल किया उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, कत्ल का मंसूबा बनाया। अब सुनिए हज़रत ईसा अलैहि सलाम के कत्ल का क्या मसला है। ईसाई भी आज अपने गले में क्रॉस का निशान और सूली पर लटके हुए एक शख्स की तस्वीर डाले रहते हैं। अब वो अपने मज़हब के एतबार से या अपनी नॉलेज के एतबार से जो भी करते हों, लेकिन हकीकत क्या है वो सुन लीजिए। हकीकत क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में शागिर्दों के साथ थे, फिर अपने शागिर्दों को आपने रात के वक्त भेज दिया और सब कुछ उन्हें बता भी दिया कि आज मैं तुम्हारे साथ आखिरी दिन बैठा हूँ। यानी अल्लाह के नबी को इस बात की खबर थी कि यहूदी कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। सब चले गए घर में, हज़रत ईसा अलैहि सलाम तन्हा थे, अपने रब की इबादत में मसरूफ थे। यहूदी अपने प्लान और मंसूबे के मुताबिक घर का घेराव करते हैं रात को, और उसके बाद प्लान कर के मुताबिक अपने साथियों में से एक साथी को मुंतखब करते हैं कि अंदर जाकर देखाओ कि ईसा अकेले हैं या उनके साथ कोई और भी है, मुआयना कर क्या उसके बाद फिर हमला किया जाएगा, जैसे भी है उनको सूली पर चढ़ाएंगे। तो ये जो उनका साथी था वो अंदर मुआयना करने के लिए आया घर के अंदर, और अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, और जो अंदर आया था उसको हज़रत ईसा की शक्ल दे दिया, पूरी शक्ल भी नहीं आधी शक्ल। अब ये चेक करने के लिए जो बंदा गया है काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया, तो बाहर जो खड़े हुए थे तलवारें उठाए, उन्होंने सोचा कि अंदर क्या हो रहा है, चलो इंतज़ार किस बात का, हमला कर ही देते हैं। तो सब रात के वक्त अंदर घुस गए और उस शख्स को बैठा हुआ पाया तो उसको पकड़ लिया, उस पर हमला आवर हुए, उनका ही साथी था, और पकड़ करके लाए और उसको मारा भी, फिर उसको सूली पर चढ़ा भी दिया, क्योंकि वो शक्ल में पूरा ईसा अलैहि सलाम की तरह था, और उसके बाद सूली पर चढ़ा दिया। ये तो जाहिर सी बात है, इंतकाम की हवस में जब आदमी काम करता है तो उसे होशो हवास भी नहीं रहता क्या कर रहा है, सोचने का भी वक्त नहीं रहता। सूली पर चढ़ा देने के बाद फिर कहते हैं कि हमारा आदमी कहाँ गया, जो चेक करने के लिए गया था, मुआयना करने के लिए गया था, हमारा आदमी कहाँ गया। तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसके पैर जो है वो उसके असली वही वाले पैर थे, बदले नहीं थे। लोगों ने कहा ये हमारा ही आदमी है, कुछ साथियों ने कहा कि ये हमारा आदमी है, तो फिर उनके आधे लोगों ने कहा अगर ये हमारा आदमी है तो फिर ईसा कहाँ गए, ईसा कहाँ चले गए। तो इस शक में मुब्तला रह गए, वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सके, ये बात अब कौन बता सकता है मुझे बताओ। घर के अंदर की बात है,
और घर के अंदर रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया है, यह बात अब कौन बता सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक 570 साल का गैप है और इस बीच कोई नबी भी नहीं आए। 570 साल का गैप है और कोई नबी नहीं आए। अब यह खबर कोई नबी ही दे सकता है, कोई नबी दे सकता है, गैब की खबर देना है तो यहूदी भी लड़ते रहे, ईसाई भी लड़ते रहे। ईसाइयों ने देखा सुबह के फांसी पर चढ़ा दिया गया है, सूली पर चढ़ा दिया गया, तो उनमें भी दो फिरके हो गए। उन्होंने कहा कि हां फांसी पर चढ़ गए हमारे नबी ईसा अली सलाम। आज भी कई ईसाई ये कहते हैं कि वो फांसी पर चढ़ गए लोगों के गुनाह माफ करवाने के लिए। लेकिन ईसा अली सलाम के जो खास शागिर्द रात में उनके साथ घर पे थे, उन्हें पता था, चार मशहूर शागिर्द हजरत ईसा अली सलाम के, योहन्ना, लोका, मिरकस, मती, इन्हीं के नाम से आज बाइबल भी है, चार बाइबल, बाइबल मैथ्यू उसको कहते हैं, मती को, और योहन्ना को जॉन कहते हैं, इंग्लिश में बाइबल जॉन ये कहते हैं, और लोका है और मिरकस है, ये अरबी नाम जो मैं आपके सामने रखा। इन लोगों को ये पता था, उन्होंने लोगों से इख्तलाफ किया, नहीं हमारे नबी सूली पर चढ़ ही नहीं सकते। तो एक जमात ईसाइयों में ये भी थी, तो अब उनसे सवाल भी करते थे लोग, अगर सूली पर नहीं चढ़े तो है कहां, वो तो बताओ ईसा अलैहि सलाम है कहां। तो उनके पास भी पूरा पक्का इल्म नहीं था, कैसे बताते। यहूदी खुद आपस में इख्तलाफ किए हुए थे, बाज कहते थे कि हमने चढ़ा दिया और बाज कहते थे कि नहीं तुमने नहीं चढ़ाया, वो तुम्हारे आदमी को चढ़ाया है, और अगर तुम्हारा आदमी नहीं है तो ईसा कहां है, ईसा है तो फिर तुम्हारा आदमी कहां है। इस बात पर चलती रही बहसें कितने साल, 550 साल। 570 साल के बाद मक्का मुकर्रमा में आमिना का लाल पैदा हुआ। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, फिर आपके 40 साल की उम्र के बाद कुरान की आयतें जब उतरने लगी, कुरान की आयतों ने पिछले मां सबक हुए वाकयात का भी तस्करा शुरू किया और एक एक वाक्य को कुरान में बताया जाने लगा। उन्हीं वाकयात की सिमत में जब ईसा अलैहि सलाम की सूली की बात आई, अब कुरान क्या कहता है, वो आयतें आज मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अल्लाह फरमाता है, वकौलिन इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, उन लोगों का ये कौल लानत के काबिल है जिन्होंने कहा है कि हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल किया है जो अल्लाह के रसूल हैं। जवाब में रब तआला फरमाता है, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उन लोगों ने उन्हें कत्ल किया ना उन्हें सूली पे चढ़ाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये भी साफ बयान कर दिया रब ताला ने, लेकिन उनको एक शबी का एक शख्स दे दिया गया था। शबी का मतलब हम मिसल, एक शख्स दे दिया गया था। وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ, और जो इसके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यहूदी हो ईसाई हो, जरूर उसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। यकीन का इल्म किसी के पास नहीं, यकीन का इल्म किसी के पास नहीं। مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, अल्लाह फरमाता है उन्हें उसकी कुछ भी खबर नहीं मगर ये गुमान की पैरवी कर रहे हैं, अटकल पच्छू लगा रहे हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। जाहिर सी बात है जब वहां घर के अंदर से हुआ क्या है किसी को पता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने ईसाइयों को भी जवाब दिया, यहूदियों को भी जवाब दिया और मोमिनों को भी अकीदा बता दिया कि हकीकत क्या है। ऐ मोमिनों सुनो, बर रफअहुल्लाहु इलैह, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया। ये बात कौन कह सकता है सिवाय एक नबी के, कोई ये बात नहीं बयान कर सकता। ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे मुस्तफा का, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से मौला ने उनकी ईसा अलैहि सलाम की हकीकत दुनिया को बतलाई। और इतना ही नहीं, बीबी मरियम पर लगे हुए तोहमतों को भी, बहतानों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान के जरिए से अल्लाह ने बरात का ऐलान फरमाया कि बीबी मरियम न किसी मर्द से
उनका कोई ताल्लुक रहा, ना उनको किसी ने छुआ, बल्कि जो उनको बेटा दिया गया है वो अल्लाह की मशीहत से दिया गया। ये बात हुजूर ने फरमाई। इन ईसाइयों को चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते, पैरवी करते। मैं आपको हकीकत बता दूं, जो नजाशी बादशाह है, शाह हबशा, हबशा एक मुल्क है, एथोपिया उसको आज कहते हैं, वहां का जो बादशाह था वो ईसाई था, ईसाई, पक्का ईसाई और किताबें पढ़ा हुआ ईसाई। मैं कहता हूं कि अगर हकीकत में कोई ईसा अलैहि सलाम की जो किताबें हैं उसको पढ़ा होता तो वो हमारे नबी का कभी इनकार कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी अलामात उसमें बताई गई हैं वो सब मौजूद है। ये तो जालिमों ने अब खुरच खुरच के निकाला है ना हुजूर के औसाफ। तो हबशा का जो बादशाह था उसके साथ हुआ क्या है, सुनिए। मक्का वाले जब सहाबा पर जुल्म कर रहे थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा तुम हिजरत करके हबशा चले जाओ। उसमें तकरीबन 70 सहाबा ने हिजरत की थी, हजरत उस्मान गनी भी थे उसमें, हाँ बड़े बड़े सहाबा, हजरत जाफर तैयार भी हैं और औरतें भी थी, मर्द भी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से गए। जब वहां गए तो हबशा का जो बादशाह नजाशी इसका नाम, वो रहम दिल इंसान था, हर आने वाले को अमनो चैन से रहने दिया करता। लेकिन जब ये काफिला पहुंचा तो मक्का वाले छोड़ने वाले थोड़ी ना थे, ये जालिम कुफार और मुशरिकीन वहां पर भी पहुंच गए नजाशी के पास, वहां जाकर के मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है दुश्मनी कहीं पर भी वो खत्म नहीं करना चाहते। आज हम बोलते हैं ये कुरान के अहकामात को लेकर तो आज उनको आग लगती है कि आपके यहाँ जिहाद की आयते हैं। कभी तुमने ठंडे दिल से ये सोचा भी कि इन काफिरों ने मुसलमानों का कितना तंग किया था, कहाँ कहाँ पकड़ के मारते थे, ये कभी जिक्र नहीं करते ये दज्जाली मीडिया, कभी नहीं। हजरत बिलाल हबशी के वो मसाइब क्यों नहीं बयान करते आज, ये कभी बयान करते हुए इनको सुना? सिर्फ इनको यही याद आती है कि जिहाद की आयतें आई हैं, जिहाद की आयतें, कितने मुसलमान शहीद हुए दर्दनाक अंदाज में, इनको वो सब बातें याद नहीं है। मेरे अजीजों, नजाशी के हाँ ये पहुंच गए मक्का वाले और जाकर के उसके कान भरने लगे, बड़े बड़े तोहफे लेकर के गए, हाँ, और उसकी दावत किया, खूब खिलाया पिलाया, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। नजाशी उनकी खातिर तवाज़ो तो किया, बड़े पैसे वाले ताजिर लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा मैं उनसे भी एक बार सुन लूंगा क्या बात है। तो फिर वो जो मुसलमान आए थे पनाह लेने के लिए हबशा में, उनको बुलवाया, सहाबा भी थे उसमें, सहाबा ही थे, बुलाया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारा क्या मसला है मक्का में? ये लोग भी आए हैं, इनके खिलाफ वहां पर कान भड़काने वाले आए थे। तो जब सामने बात करने की बात आई तो हजरत जाफर तैयार सामने आए, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं। जाफर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सगे भाई हैं। आगे बढ़े और जैसे जैसे वो सवालात करता था नजाशी, आप जवाब देते थे, वो सारे उसी बात, उन्हीं बातों की सवालात करता था जो उसके जहन में इंजील पढ़ करके थे कि आखिरी नबी कैसे होंगे, आखिरी नबी कैसे होंगे, उसके मुतालिक वो सारे सवालात करता था। जिसको तुम नबी कह रहे हो उसकी तालीमात क्या हैं? तो हजरत जाफर ने कहा सिर्फ बड़ी तालीम तो ये है कि हमारा नबी बंदों की इबादत से हमें निकाल करके रब की इबादत में ले जाता है, मखलूक की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। जाहिर सी बात है दुनिया में जो कुछ भी हो मखलूक है ना, चाहे पत्थर हो, दरख्त हो, कोई भी हो, ये मखलूक है, इनकी इबादत से निकाल कर वो नबी हमें खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि उसके खानदान में कोई बादशाह वगैरह, कहा नहीं। और फिर वो अरब के मशहूर शरीफ खानदान कुरैश में पैदा हुए, सारी अलामतें पूछने के बाद नजाशी बादशाह ने क्या कहा, कहा कि मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं जिसके इंतजार में था मुझे वो मिल गया और मैं ईमान लाता हूं। वक्त का बादशाह जो ईसाई भी था
और वह ईमान कबूल किया। मेरे अजीज़ों, उसकी मौत जब हुई रदी अल्लाह अन्हु, जब उनकी मौत हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गायबाना तौर पर अपने इलाके में ही नमाज जनाजा भी अदा कराई, खुद हुजूर ने नमाज पढ़ाई। आप नहीं गए तो नहीं, हबशा नहीं गए, लेकिन जहां मौजूद थे वहीं से जनाजा पढ़ाई। तो कहना यह चाहता हूं कि जब ईसाइयों को, अगर वो ठंडा दिल रखते हैं, और मैं ये कहता हूं कि जानिबदारी के साथ नहीं, हकीकत की तलाश में जब पढ़ेंगे मेरे नबी पाक को और कुरान को, तो इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। यहां तक कि हेरकल जो रोम का बादशाह था, जिसको हरक्यूलस कहा जाता है, इसके पास भी यही मामला हुआ था। जब उसने मुसलमानों से पूछा कि वो नबी कैसे हैं, मुसलमानों से नहीं बल्कि अबू सुफियान से पूछा था, जो अभी ईमान लाए नहीं थे, अबू सुफियान ईमान लाए नहीं थे, वो मुसलमानों के खिलाफ बात करने के लिए गए थे, लेकिन बादशाह ने जितने सवालात किए उसमें सब उनको हुजूर की तारीफ ही करनी पड़ी। क्या करते हैं? अबू सुफियान खुद कहते हैं, अगर मैं झूठ बोलता तो मेरे लोग थे जो मक्का वाले, वो पकड़ लेते, कहते कि अबू सुफियान इतना बड़ा आदमी झूठ क्यों बोल रहा, तो हर बात बता दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हरक्यूलस जो बादशाह है रोम का, अजीमुर रोम उसको कहा जाता, वो हिरकल आजम कहता है कि कसम खुदा की, अगर वो तुम्हारे नबी यहां होते तो मैं उनके पांव धोकर पानी पीता। लेकिन यह और बात है कि वो हिदायत नहीं लाया, हिदायत पे नहीं आया, ईमान नहीं लाया। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता करे। हाँ, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे। लेकिन मेरे अजीजों, ये वाकया जो मैंने बताया, इस पर आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ईसा अलैहि सलाम के मुतालिक अकीदा मोमिनीन का क्या है। आज यहां मैं बताऊं, कुरान पूरा उठा करके देख लो आप, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सफाई ही कुरान ने बयान की। इन जालिमों ने कभी नबियों को कहा कि वो तो हमारी तरह बशर हैं, बाजारों में चलते फिरते हैं, माली हादर रसूल याकुल तआम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसे रसूल हैं कि हमारी तरह खाते पीते बाजारों में चलते। रब तआला ने उनका भी जवाब दिया, जिन लोगों ने रसूलों का मजाक उड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कोई रसूल ऐसे नहीं आए जिनका मजाक नहीं उड़ाया गया हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उन कौमों को हलाक फरमाया। कुरान जो है नबियों की सफाई और बरत का ऐलान करता, नबियों की बरत का ऐलान करता है, हर गुनाह से, हर ऐब से पाकी का ऐलान करता है। लेकिन इन जालिम यहूदियों को देखो, इन्होंने आज, मैं एक आपके सामने इंसाफ की बात करने वालों से पूछता हूं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले या नॉन वायलेंस की बात करने वाले, वायलेंस नहीं होना चाहिए इसका ऐलान करने वाले, इन सब से मैं एक बात पूछता हूं कि कभी किसी कुरान के पढ़ने वाले, अमल करने वाले आलिम ने या हाफिज ने या जिम्मेदार मुसलमान ने ईसा अलैहि सलाम की तौहीन की, मूसा अलैहि सलाम की तौहीन की, दाऊद और सुलेमान अलैहि सलाम की तौहीन की, जिन पर इन यहूदियों का भी ईमान है, उनके अपने एतबार से जो ईमान रखते हैं, इन सारे नबियों को वो तस्लीम करते हैं जिस अंदाज से भी, लेकिन वो नबियों को मानते हैं, इब्राहिम अलैहि सलाम को, इस्माइल, इसहाक अलैहि सलाम को, याकूब अलैहि सलाम को, यूसुफ अलैहि सलाम को, इनके सबके तस्करे इनके मुकद्दस किताबों में है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी एक ने भी कभी इन अंबिया की तौहीन की? बल्कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता। तौहीन तो बहुत दूर की बात है, उनसे रिलेटेड किसी चीज को हल्का समझा तो काफिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बकरियां चराना नबियों की सुन्नत है, और अगर किसी ने इसको हल्का जाना कि ये कौन सा माज़ल्लाह है रब्बिल आलमीन, हल्का काम नबियों की सुन्नत की वजह से, तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नबियों की इतनी तौहीन भी इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता, गवारा नहीं करता। लेकिन जो हमें इंसाफ सिखाते हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूं, कभी तुमने इन जालिमों से क्यों नहीं पूछा कि मेरे नबी पाक के खाके क्यों बनाते हो, कार्टून क्यों बनाते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक क्यों करते हो?
ये कार्टूनिस्ट कौन लोग हैं, ये यहूदियों के पाले हुए पिट्ठू हैं, ईसाई हैं, इन लोगों को यहां पर आजादी चाहिए। मेरे नबी पाक को तुम तख्ते मश्क बनाओगे, अपनी आजादी का निशाना हुजूर को बनाओगे। हम ये कहते हैं आजादी जिसको ये कह रहे हैं ना, ये आजादी नहीं है, ये बदतमीजी है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर, अब मिसाल के तौर पर मैं किसी की गर्दन पर खड़ा हो जाऊं और कहूं मेरा मुल्क आजाद है, मैं जहां चाहूं खड़ा हो जाऊं, इसको आजादी कहेंगे? मियां किसी की गर्दन पर खड़े होकर के तुम आजादी मनाओगे? आजादी का मफहूम यह है कि हमारी आजादी से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे, किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यह कैसी आजादी? फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको नाम दे दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम दे दिया, हाँ रिलीजन की आजादी इसका नाम दे दिया। तुम्हें जो इख्तियार करना है इख्तियार करो, हम कहां तुम्हारे पीछे पड़े मियां। यहां पर तो वो जंगली लोग भी हैं जो कुत्तों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, नंगे लोग। हाँ मैं उनके मुतालिक भी नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग। हाँ ये लफ्ज में अगर सख्त बात कह रहा हूं तो उन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया को शैतान बनाने पर लगे हुए हैं, उनका कोई दीन धर्म मजहब नहीं। हम कहां तुम्हारे पीछे तुम्हारे मुकद्दसात को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं, इंसाफ की बात करने वाले दुनिया भर में जब मेरे नबी पाक की बात आती है तो सेकुलर क्यों बन जाते हैं? इस्लाम की बात आती है तो सेकुलरिज्म है, और अगर मैं किसी पर उंगली भी उठा दूं तो कट्टर है, ये दहशतगर्द है। हमारे लिए आजादी नहीं है, हमारे लिए नहीं, सारी आजादी इन लोगों के लिए, पाखंडियों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम का गलबा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन ने जो आज़ादी दी थी रसूल पाक की तालीमात पर, हम वो दुनिया को बताएंगे हकीकत में आज़ादी होती क्या है, आज़ादी होती क्या है। बहरहाल यहाँ पर आयतों का जो अर्ज करना था वो मुकम्मल हुआ। इसकी अगली आयतें वही अहले किताब के मुतालिक है, लेकिन इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अकीदा छन कर निकलता है वो यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सिर्फ हज़रत बीबी मरियम से हुई। ये मोमिनीन का अकीदा है, उनकी माँ भी पाक थी, वो भी पाक थे। अब यहाँ पर ट्राइनिटी का एक अकीदा आ गया, तथलीस। तथलीस क्या है? तीन खुदा मानने का अकीदा, यह ईसाइयों में आया। पहले तो ईसाई इस अकीदे के कायल नहीं थे, पहले वो अल्लाह की इबादत करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते थे। लेकिन इन जालिम यहूदियों ने उसमें घुसकर, ईसाई मजहब में घुसकर उनकी किताबों में अपनी तरफ से तशरीहें डाल दी और इनके अकीदे को बिगाड़ दिया। इसी तरह से ये मजहब इस्लाम में भी दाखिल हुए हैं, हमारी किताबों की गलत तशरीह करना, कुछ गढ़ करके हदीसें दाखिल कर देना ताकि गुमराह अकीदे आ जाए। हदीसों के नाम पर इन्होंने पूरे एक जमात तैयार कर ली। बाज़ाब्ता हमारे पास किताब मौजूद है जिन्होंने एतराफ़ भी किया है कि हम बगदाद में, बसरा में, कूफा में कितने कितने साल मेहनत की है मुसलमानों में फ़िरका बनाने के लिए। ये यहूदी उस वक्त से भी काम कर रहे, ईसाइयों में भी ये दाखिल हुए, ट्राइनिटी का अकीदा दाखिल कर दिया। क्या कि नहीं, खुदा एक नहीं है, एक तो वो अल्लाह है, दूसरे ईसा हैं, तीसरे रूहुल कुद्स हैं, पाकीज़ा रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और बाज़ ईसाइयों में तीन से मुराद अल्लाह, बीबी मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोग यहाँ पर गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह को वो बाप कहते हैं, बाप कहते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बेटा। अक्सर आप उनकी तालीमात में भी देखेंगे, गॉड सेज हिज सन, खुदा अपने बेटे से कह रहा है, खुदा अपने बेटे से कह रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद। हमारा अकीदा ये है, वल्लाह एक है, बेनियाज है, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होगा। हमारा अकीदा ये शिर्क का हो ही नहीं सकता। उसका बेटा कहां से आया, उसका बेटा कैसे है? अगर उसे बेटा बनाना ही होता तो अपने महबूब को बनाता, लेकिन अल्लाह ताला इससे पाक है, बेनियाज है। सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून।
कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उससे बहुत बुलंद है जिसके साथ ये उसको शरीक करते हैं, ना उसकी कोई बीवी, ना उसकी औलाद, ना उसके बाप माँ। तो ये ट्राइनिटी का जो तसलीस का अकीदा है, ये अकीदा इन्हें शिर्क की तरफ ले जाता है। शिर्क कर दिया ना खुदा के साथ तीन लोगों को। लिहाजा ऐ मोमिनो, अक्सर मैंने देखा है कि ईसाइयों की तालीमात के तरफ तवज्जो न देते हुए बाज़ मुसलमान भी इस तरह की बातें कह जाते हैं। जाहिर सी बात है इनके स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक फादर बैठा हुआ होता है और वो अपनी मुकद्दस तालीमात के ज़रिए से बच्चों को जिस तरह से भी पढ़ाते हैं। इस बात का हमेशा लिहाज रखो कि शिरकिया तालीम अगर हासिल करोगे तो बचपन में ही मुशरिक और काफिर बन जाओगे। हमारा दीन जो अकीदा हमें प्यूरिटी हमें देता है वो बच्चों को बचपन से सिखाओ, अपने घरों से सूरह फातिहा और इखलास पढ़ करके बच्चा जाए और जब आए तो भी सूरह फातिहा और इखलास पढ़ करके घर में आए, ताकि बच्चा हमारा बचपन से मोमिन रहे और जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।